हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू पार्ट टू। इस पार्ट में हम लोग गेट एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फुल फॉर्म नहीं बताने वाला मैं आपको, क्योंकि उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू वो डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले ये ब्रांच स्पेसिफिक एग्जाम है। इसका मतलब क्या, आपकी जो भी ब्रांच है उसके लिए स्पेशल गेट एग्जाम होगी। ओके, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का पेपर लिखेंगे। ओके, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और इसमें जो भी सिलेबस होता है वो आपकी ब्रांच स्पेसिफिक होगा, और 4 साल में आपने जो भी कोर सब्जेक्ट्स के साथ डील किया है उनसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे नहीं दूसरे ब्रांच से कभी कभी हमें सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। नहीं, आपका जो कोर सिलेबस है, कोर ब्रांच है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। एंड इट प्रोवाइड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। गाइज, यही तो किसी को पता नहीं है। सबको लगता है गेट से आप सिर्फ टीचर बनोगे, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है और आज हम वही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वॉट आर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर गेट? ये 3 ऑप्शंस है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एमटेक या फिर एमई एंड एमबीए। सबको लगता है कि गेट से सिर्फ एमटेक ही करते हैं या फिर एमई ही करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये 3 ऑप्शंस है, हम आज इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीएसयू या पीएसयू क्या होती है। पीएसयू मतलब बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिट। देखो, जैसे इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन रेलवेज़ अगर आप देखो तो इंडियन रेलवेज़ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का 100% शेयर वाली कंपनी है। मतलब ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। पीएसयू क्या होती है? एक पीएसयू को जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ओएनजीसी या फिर आईओसीएल, इनमें गवर्नमेंट के 49% शेयर होंगे, वेरस 51% शेयर प्राइवेट के होते हैं। इसीलिए बेनिफिट ये होता है कि आपको जो सैलरी मिलती है वो एज़ पर प्राइवेट कंपनी मिलती है, जो ज़्यादा होती है, वेरा जो जॉब सिक्योरिटी मिलती है वो एज़ पर गवर्नमेंट मिलती है, वो भी ज़्यादा होती है। इसीलिए एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है जॉब सिक्योरिटी और अच्छी सैलरी का। एमटेक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एमबीए कैसे कर सकते हैं गेट से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आएगा आगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार पीएसयू कितनी है। 30 मेजर पीएसयूज ने रिक्रूट किया था गेट 2017 से, ठीक है। और जो गेट 2017 एग्ज़ाम हुई थी उससे ये जो 30 मेजर पीएसयू आपको दिख रही है उन्होंने रिक्रूटमेंट की थी। इनने सब ब्रांचेस से मिला के 2,000 to 3,000 स्टूडेंट्स इन पीएसयूज में चले गए। हर साल पीएसयू का जो नंबर होता है रिक्रूटमेंट का वो बढ़ता है और कभी कभी फ्लक्चुएट भी होता है। बट द थिंग इज देर आर 160+ पीएसयू, 160+। ये मैंने सिर्फ 30 पीएसयू यहाँ पे दिखाई है क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस कम है। 160 पीएसयूज है जो रिक्रूट करती है गेट एग्जाम से। उनकी वैकेंसीज जो होती है जनरली हर एक ब्रांच के लिए 1000 to 1500 तक होती है, 1000 to 1500। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं लाइफ इन पीएसयू। इतना कब से पीएसयू पीएससी कर रहा हूँ, क्या है इस पीएसयू में देख लेते हैं। लाइफ क्या है पीएसयू की? सबसे पहले वैकेंसी, वैकेंसी जैसे मैंने बोला यहाँ पे गेट 2017 का ये डेटा है, 700 पर बैंच वैकेंसीज थी। इसका मतलब अगर आपका रैंक 1000 के अंदर भी आ जाता है तो भी आपके पास बहुत अच्छे चांसेस है कि आप किसी पीएसयू में चले जाओ। अभी पीएसयू में जाके करना क्या है, देखो सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, सैलरी सबको यही चाहिए, अराउंड 10 LPA। आप किसी नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के 3.2 या 3.6 ला रहे थे, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी ही 10 LPA। और माय फ्रेंड्स, ये मैंने एवरेज बोला है, ONGC, IOCL ऐसी कंपनीज 14 LPA ऑफर करती है। ओके, सो ये मैंने एवरेज पैकेज बताया है। उसके बाद कोर इंजीनियरिंग, अगेन एक अच्छी बात होती है कि आपको जो भी आप PSU में आप प्लेस हो जाओगे वो आपकी ब्रांच की होगी, आपकी जो पोजीशनिंग होगी सेक्टर में वो ऐसी होगी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर या फिर एज अ कंप्यूटर या फिर एज ए IT इंजीनियर ही होगी। ऐसा नहीं कि आप मैकेनिकल और आपको इलेक्ट्रिकल में डाल दिया, तो आपका जो काम होगा वो आपके कोर इंजीनियरिंग में ही होगा। उसके वजह से एक पॉइंट मिलता है, उसे बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। ओके, तो आपके पास यहाँ पे अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, अच्छी सैलरी, एक गवर्नमेंट टाइप ही जॉब है, गवर्नमेंट नहीं बोलूँगा मैं, गवर्नमेंट टाइप ही जॉब है क्योंकि जॉब सिक्योरिटी अच्छी है और कोर इंजीनियरिंग में आपको काम करने मिल रहा है। और एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिक्योर जॉब होता है, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का शेयर वाली कंपनी जो होती है उसमें जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उन्हीं से होती है। और वर्किंग एटमॉस्फेयर जो होता है वो गुड होता है, क्योंकि देखो यार इंडिया के जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं वो कोई पीएसयू कंपनी ही हैंडल करती है। जैसे आपने देखा होगा कि ONGC जो भी अपना ऑयल सप्लाई होता है पूरा इंडिया का या फिर इंडिया से बाहर वही हैंडल करती है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनका जो वर्किंग कल्चर होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिच होता है। ओके, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक इन इंडिया कैंपेन जो भी अभी प्राइम मिनिस्टर सर ने स्टार्ट किया है उसके वजह से पीएसयूज में रिक्रूटमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और थिंग इज़
जनरली वो लोग 700 रिक्रूट करते हैं। 2018 में उन्होंने ऑलमोस्ट 1500 से रिक्रूटमेंट स्टार्ट की है, मतलब 1500 वैकेंसीज है, और आगे ये बढ़ेंगी क्योंकि जितना इंडिया ग्रो होगा पीएसयूज की उतनी ही डेवलपमेंट होगी और वैकेंसीज भी उतनी बढ़ने वाली है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। ओके, उसके बाद आता है कि पीएसयू नहीं तो और क्या। देखो बहुत सी पीएसयूज है, बहुत सी रेप्यूटेड पीएसयू है, मैं ऐसे बोलूँगा, जो अपनी खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। गेट से वो एंट्रेंस नहीं देती, वो खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जैसे इसरो, BARC, DRDO, CIL, EIL, ECIL, ये जो एग्ज़ाम्स है बेसिकली, या फिर ये जो पीएसयूज़ है ये खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। गेट से रिक्रूटमेंट नहीं होती उनकी, बट द गुड थिंग इज़ ये जो भी पेपर सेट करते हैं वो सीधा गेट से कॉपी होता है। ये जो भी पेपर सेट करते हैं वो सीधा गेट से कॉपी होता है। इनकी जो भी एचआर टीम होगी बेसिकली वो सीधा गेट से क्वेश्चन उठाते हैं, या फिर कोई और एग्जाम्स होते हैं उनसे क्वेश्चन उठाते हैं और पेपर बना देते हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम्स आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। ओके, ये कुछ और पीएसयूज़ है बेसिकली, जैसे मैंने आपको मेजर पीएसयूज़ यहाँ पे बता दी, इसरो, BARC और DRDO, बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड है इंडिया में। उसके बाद और कुछ पीएसयूज़ है जो लिस्टेड है, इनमें आपको इजीली आप इनके एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, उसके बाद आते हैं किसी और पॉइंट पे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अभी आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे है, रेलवे RRB में हम कैसे चले जाएंगे? देखो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिक्रूट करता है फॉर पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, या फिर सेक्शन इंजीनियर, या फिर जूनियर इंजीनियर के लिए। इनमें पैकेज मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा होगा, 6 to 7 मैंने बोला है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे पीएसयूज़ में होता है, बट स्टिल अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो यही सही। और अच्छी बात यह है कि दिस इज़ 100% गवर्नमेंट कंपनी इंडियन रेलवेज, आपको पता ही होगा। ओके, 100% गवर्नमेंट है, ना पीएसयू है ना कुछ नहीं है, ठीक है, सब गवर्नमेंट होगा, तो गवर्नमेंट की जो भी एडेड फैसिलिटीज़ होती है वो मिलती है आपको। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम जो होती है वो गेट के तरह ही होगी। RRB में जो भी पेपर सेट करते हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो क्या करते हैं किसी और एग्ज़ाम से क्वेश्चन चुरा के डाल देते हैं। तो द गुड थिंग इज़ अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम्स भी आपको ज़्यादा टफ नहीं होंगी। हाँ, इसमें एक जनरल साइंस तरफ का पार्ट होगा जिसमें कुछ करंट अफेयर वगैरह पूछ लेंगे, उतना आपको एडिशनल प्रिपरेशन करना है। उसके बाद आपको गेट का जो आप कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करो, ये एग्ज़ाम्स आपको ईजीली निकल जाएंगी। इनका बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 100% गवर्नमेंट है, और इसका जो पैकेज है वो भी रेप्यूटेड है, आपको जो कॉलेज में मिल रहा था उससे तो अच्छा ही है यार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक कमीशन है बेसिकली जो रिक्रूट करता है फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स ऑल ओवर द इंडिया। इनकी वैकेंसीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइक वैकेंसीज जो जूनियर इंजीनियर की निकलती है पर डिपार्टमेंट लाइक 10,000, 15,000, इतनी वैकेंसीज होती है। रिसेंटली इनमें बहुत ज़्यादा स्कैम्स आए थे SSC में, आपको पता होगा शायद, बट अच्छी बात है कि वो अब सब हो चुका है, और SSC जो है वो अभी रिजल्ट जो है वो बहुत फटाफट दे देते हैं। सो उनमें जो वैकेंसीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और सैलरी जो होती है बेसिकली वो भी अच्छी खासी होती है। जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ये लोग प्लेस करते हैं, जैसे उनमें आता है PWD डिपार्टमेंट, उसके बाद और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एक्चुअली सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, और एक पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद प्रमोट होके होके आप ऊपर वाले पोस्ट पे चलो जाओगे। ओके, सो अच्छी बात है क्योंकि सैलरी की रेंज भी मैंने आपको बता दी है। अगेन, नो वन थिंग्स अबाउट पुटिंग न्यू क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम होगी SSC की, कोई सोचता नहीं है कि हम लोग कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाए, कुछ रिसर्च करें, कुछ डेवलपमेंट करें। सब लोग क्या करते हैं, गेट एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन लो और सीधा पेस्ट कर दो, उसके बेसिस पे एक अच्छा खासा पेपर आता है और उसी को बच्चे सॉल्व करके निकल जाते हैं, ठीक है। सो अच्छी बात यह है कि अगर आप इस एग्ज़ाम के को अगर फेस करोगे तो यू विल फाइंड कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो गेट के लेवल के होंगे या फिर उससे नीचे होते हैं जनरली, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में टाइम लिमिट होता है, लाइक 200 मिनट्स में आपको 250 क्वेश्चन करना है, तो जो डिफिकल्टी होती है वो थोड़ी कम होती है। बट अगेन, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सीधा आ गया गेट के रिपीटेड क्वेश्चन में से ही सीधा क्वेश्चन इसमें आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप एक एग्ज़ाम कर रहे हो और आपके वजह से और उस एग्ज़ाम के वजह से इतनी सब एग्ज़ाम्स बन रही है। ओके, और तीन मेजर सेक्टर्स मुझे डील करना है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।